alaikum my dear students. I'm your educator Shai Rishi and today I'm going to teach you prepositions, very important topic of your grammar skill. Okay? Let's start now. So, my dear students, today we will discuss about preposition. What preposition is? Few examples and types of preposition. इस वीडियो में आप यही सब पढ़ेंगे प्रपोजिशन इट्स टाइप्स एंड फ्यू एग्जाम्पल्स वट इज़ प्रपोजिशन इन सिंपल टर्म्स और इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से दैट प्रपोजिशन इज अ रिलेशन शोइंग वर्ड शोइंगशन क्या है रिलेशन शोइंग वर्ड है लेट इज़ हैव अ लुक एट द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ प्रपोजिशन प्रपोजिशन लिंक्स नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स अदर वर्ड्स कैन भी नाउन वर्ब और एजेक्टिव अब प्रपोजिशन क्या है प्रपोजिशन नाउन या प्रोनाउन को जोड़ता है लिंक है ठीक है जोड़ता है बाकी वर्ड्स के साथ और बाकी वर्ड्स क्या हो सकते हैं नाउन हो सकता है वर्ब हो सकता है या तो एजेक्टिव हो सकता है फाइन प्रिपोजिशन लिंक्स नाउन और प्रोनाउन with other words and other words can be noun verb or adjective now the second definition or i can say one of the easy definition of preposition preposition expresses a relation between subject and object what is subject subject is the doer of the action for example I am sting on the chair. I. Here, subject is sting verb and object is hai? chair. Hai. So, preposition expresses a relation between subject and object. Fine. After that, we will have a look at this example. The cat is sting the table. कुछ समझ में आया कैट तो हमें पता है द कैट कैट क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है स्टिंग क्या है वर्ब है टेबल क्या है ऑब्जेक्ट लेकिन ये क्या बता रहा है द कैट इज़ स्टिंग द टेबल नो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज़ यहाँ पर प्रिपोजिशन यूज़ ही नहीं हुआ है प्रिपोजिशन किससे यूज़ होता है ताकि वो हमें क्या दिखाए रिलेशनशिप दिखाए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में फाइन सो so, अगर हम यहाँ पर ये पिक देखेंगे हम देख रहे हैं द कैट इज़ स्टिंग कहाँ पर टेबल के नीचे अब आ गया पूरा सेंटेंस द कैट इज स्टिंग अंडर द टेबल सो अंडर हेयर शोज द रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट यानि कैट विद द ऑब्जेक्ट यानि टेबल फाइन

और सो अगेन आई विल रिपीट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन देन फर्स्ट वन इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम अभी तक हमने पढ़ा प्रीपोजिशन क्या दिखाता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन दिखाता है अब अगर हमें दिखाना हो टाइम के हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट क्या होगा टाइम होगा तो हम किन वर्ड्स की हेल्प की मदद से प्रपोजिशन ऑफ टाइम दिखा सकते हैं इन ऑन सेंस फॉर एट फ्रॉम, बिटवीन ड्यूरिंग, आफ्टर Within till until from, these are few words which are used in order to show the preposition of time. Fine, let us have a look at examples now. Preposition of time when I have a meeting, kab hai? at 9 a.m. at shows the time. Fine, at shows the relationship. और आई कैन से प्रीपोजिशन ऑफ टाइम डू यू वर्क ऑन सन्डेज अगेन ऑन से हमें पता चलता है कब की बात कर रहा है ठीक है क्या संडेज़ को हो रहा है हर बर्थडे इज़ ऑन ट्वेंटियथ नवंबर। अगेन यहाँ पर मैं बोलूँगी एट ऑन एंड ऑन दीज थ्री शोज़ द रिलेशनशिप ऑफ टाइम विद अदर अदर यहाँ पर मैं बोलूँगी नाउन है या प्रोनाउन है फाइन सो दैट वॉज ऑल अबाउट प्रिपोजिशन ऑफ टाइम नाउ प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस अगर प्रपोजिशन के बाद जगह होगी ठीक है या प्रपोजिशन दिखाना होगा रिलेशन दिखाना होगा किसके साथ किसी जगह के साथ वट काइंड ऑफ वर्ड्स वी यूज़ इट इज़ बिटवीन अमंग अमंगस्ट अमिट इन एट ऑन बिसाइड and besides these words are used in order to show the preposition of place now let's have a look at preposition of place i mean to say few examples of preposition of place are here the books are on the table books ka relation books ki position dikha raha hai Kis ke table ke saad. fine raj is waiting for you at the bus stop i chose the place here the plane is just below the cloud so plane kahan hai cloud ke niche to yahan par hame pata chalta hai preposition of place subject and object ke beech mein relation किसने बनाया On ने यहाँ पर बनाया यहाँ पर at ने बनाया यहाँ पर below ने बनाया Fine. That was all about preposition of. Place. Now preposition of direction. Here are few words which we use in order to show preposition of direction or in order to show the relationship of noun or pronoun with direction. Fine. Along, across, against, up, down, to, towards, for, from, at, in. These all help us to show.

hill ke niche so down here shows the relationship of ball with the hill fine so today we discussed what preposition of time preposition of place and preposition of direction i hope aaj topic aapko acche se samajh mein aaya hoga. if you are having any doubt any query you can write us in comments fine thank you Thank you for your support. Thank you.